हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोल्टेज और ईएमएफ के बारे में। हम सब सोचते हैं कि वोल्टेज और जो ईएमएफ होता है दोनों सेम होता है, लेकिन दोस्तों ये दोनों सेम नहीं होता, इनके अंदर भी कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और ईएमएफ क्या है, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है और इसे हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हम इसे यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा, तभी जाके आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक सर्किट दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक सर्किट है और यहाँ पर मैंने एक लैंप को कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक लैंप को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये लैंप कब ग्लो होगा, कब ये जलेगा? तो जब इसके अंदर एक करेंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तभी जाके ये लैंप ग्लो करेगा, यानी कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। करंट फ्लो होने का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर फ्लो होगा तभी जाके ये लैंप यहाँ पर ग्लो करेगा। और हमें पता है हमने यहाँ पर एक मेटलिक कंडक्टर लिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमेशा मूव करते रहते हैं। हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो जब हम उसको एक ही डायरेक्शन मूव करवाएंगे तब क्या होगा कि ये जो लैंप है ग्लो करेगा। तो इसको एक ही डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे एक फोर्स देना होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक मार्कर है, तो अगर मैं इसको पीछे से फोर्स लगाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा, या फिर अगर मैं इसको आगे से खींचूंगा तो ये कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह तो इस भी इलेक्ट्रॉन को हमें आगे भेजने के लिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट करना होगा, यहाँ पर एक फोर्स डालना होगा। तो वो जो फोर्स, वो फोर्स कहाँ पर, कहाँ से आएगा? देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक बैटरी को कनेक्ट करना होगा। तो ये जो बैटरी क्या है, ये एक तरह का यहाँ पर फोर्स, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ वोल्टेज होता है। ये जो वोल्टेज होता है ये यहाँ पर हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो जो करंट है ये फ्लो नहीं करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा। तब क्या होगा कि जो लैंप है ग्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि वोल्टेज की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होता है। तो लेकिन यहाँ पर ईएमएफ का काम क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अभी क्या होगा, जो पानी इस टैंक में है तो वो पानी कहाँ जाएगा, इस टैंक में, क्योंकि इसका पानी जो वाटर लेवल है ज़्यादा है और इसका वाटर लेवल कम है। तो क्या होता है कि इन दोनों के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से पानी इस टैंक से इस टैंक में फ्लो होने लगेगा। तो क्या होगा कि पानी इस टैंक में भी बढ़ने लगेगा और इस टैंक में पानी घटने लगेगा। ठीक है, तो जब क्या होगा कि दोनों का जो वाटर लेवल है जब भी बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा कि पानी यहाँ पर फ्लो, वाटर यहाँ पर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये यहाँ पर समान हो गया है। तो जिसके वजह से यहाँ पर भी पानी अभी फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अभी करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमें फिर से इसका जो फ्लो है उसे बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टैंक में फिर से पानी भरना होगा। तभी क्या होगा कि ये पानी फिर से यहाँ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी डिफरेंस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एक डिवाइस को लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया है जो कि देखेगा इस टैंक में पानी कितना है, इस टैंक में पानी कितना है, और वो क्या करेगा, इस टैंक से पानी ले करके फिर से इस टैंक में डाल देगा। तब क्या होगा कि इस टैंक का वाटर लेवल फिर से बढ़ जाएगा और पानी फिर से यहाँ आ जाएगा, और फिर से ये इसके ज़रिए जाके फिर यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इस टैंक का वाटर लेवल कभी भी कम नहीं होगा और इस टैंक का वाटर लेवल कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, और इसके अंदर पानी हमेशा फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पानी जो फ्लो हो रहा है ये आपका करेंट है, और इसके अंदर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो है आपका वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर आपका पानी फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो जो सिस्टम इसका पोटेंशियल डिफरेंस को बरकरार रख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है ये जो सिस्टम, इससे हम क्या बोलते हैं,
ईएमएफ, ठीक है, इसे हम यहाँ पर बोलेंगे ईएमएफ, जो कि क्या करता है यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो वो किसके वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा है उससे क्या हम कहते हैं ईएमएफ, जो कि होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं होता, ये एक तरह का एनर्जी होता है जिसका काम क्या होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर क्रिएट करता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम जो सोर्स ले रहे हैं, ठीक है, वो चाहे वोल्टेज सोर्स हो या फिर करंट सोर्स हो, तो जो सोर्स जो जनरेट हो रहा है उससे हम बोलते हैं ईएमएफ। वो अगर यहाँ पर बैटरी हो तो इसके अंदर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल क्या करता है कि एक एनर्जी को जनरेट करता है और उसे हम बोलते हैं ईएमएफ। अगर यहाँ पर एक जनरेटर हो तो वो क्या करता है कि उसके अंदर एक आर्मेचर घूमता है, वो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को कट करके वहाँ पर ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है, जो एनर्जी वहाँ पर जनरेट होता है उससे हम बोलते हैं ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दोस्तों ईएमएफ जो होता है ये हमेशा वोल्टेज से ज़्यादा होता है, यानी कि ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ जो होता है हमेशा वोल्टेज से ज़्यादा होता है। दोस्तों लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज क्या है और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है, वोल्टेज एंड ईएमएफ के अंदर डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग सा वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।